मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। गुफ्तगु लीक होने पर चीनी सदर कैनेडियन वजीर आजम से नाराज। वीडियो वायरल। चीनी सदर का कहना था कि हमारी गुफ्तगु अखबारात को लीक कर दी गई, ये मुनासिब बात नहीं। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा में हम आजादाना और खुले आम मुकालमे पर यकीन रखते हैं। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो में तालीमी कारकुनान ने एक बार फिर हड़ताल की धमकी। क्यूब का कहना है कि 5 दिनों में हड़ताल शुरू हो सकती है। वजीर तालीम का कहना था कि क्यूब का तर्ज अमल ये बच्चों के साथ मुकम्मल तौर पर नाइंसाफी है। कनाडा के शहर टोरंटो में मौसमी सर्मा की पहली शदीद बर्फबारी। बर्फबारी का सिलसिला जुम्मे तक जारी रहने का इम्कान। फिसलन के सबब मुतअद्दिद मकामात पर ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट। मिसाइल यूक्रेन से दागा गया। तस्दीक होने के बाद पोलैंड के सदर का रद्दे अमल। यूक्रेन ने भी इस सिलसिले में तहकीकात में मुकम्मल तावुन का ऐलान कर दिया है। इब्तदाई तौर पर इस हादसे का जिम्मेदार रूस को समझा जा रहा था। बर्तानिया, दूध, पनीर, दीगर अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान को छूने लगी। अफरातेजर 41 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। बिजली, गैस और दीगर ईंधनों की कीमत में इजाफा महंगाई की बड़ी वजह। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट, इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। हाइपोएलर्जेनिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। से नो टू बल्की प्लास्टिक जग्स एंड बॉटल्स। नो मोर मेजरिंग एंड स्पिलिंग। Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. G20 इजलास के मौके पर कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो से चीनी सदर शी ने इंतहाई नागवारी का इजहार किया और कहा कि एक रोज़ पहले हुई मुलाकात के तफसीलात मीडिया को लीक क्यों की गईं। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। G20 इजलास के मौके पर कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो से चीनी सदर शी ने इंतहाई नागवारी का इजहार किया और कहा कि एक रोज़ पहले हुई मुलाकात की तफसीलात मीडिया को लीक क्यों की गई। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि चीनी सदर शी जिनपिंग कैमरों की मौजूदगी में कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो से बातचीत कर रहे हैं। चीनी सदर ने कनाडा के वजीर आजम से G20 इजलास के दौरान की गई गुफ्तगु लीक होने पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इजलास में की गई हमारी गुफ्तगु अखबारात को लीक कर दी गई, ये मुनासिब बात नहीं। गुफ्तगु इस पैराए में नहीं की गई थी अगर आपकी तरफ से ईमानदारी का मुजाहरा किया जाता। मीडिया ने कैनेडियन इलेक्शन में चीन की मुबैना मदाखलत का मामला उठाए जाने के दावे किए थे, जिस पर चीनी सदर शी ने खौफी से कहा कि हमने जो भी बातचीत की थी वो अखबारात को बता दी गई है, ये गैर मुनासिब है और ऐसे तो बातचीत हुई ही नहीं थी। क्या आपकी जानिब से कोई बात यकीनी भी है? कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा में हम आजादाना और खुले आम मकालमे पर यकीन रखते हैं। कनाडा के वजीर आजम ने अपनी बात जारी रखते हुए मजीद कहा कि तामीरी मुलाकातें जारी रहेंगी, जिस पर चीनी सदर ने जवाब दिया कि इसके लिए पहले माहौल बनाओ और ट्रूडो से हाथ मिलाया और चल दिए। वाज़ेह रहे कि कनाडा ने हालिया हफ्तों में चीनी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो उसके जमहूरी इदारों और अदालती निज़ाम में मदाखलत कर रही है। ट्रूडो ने बुध को इंडोनेशिया के रिजॉर्ट जजीरे बाली पर एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मैंने अपने मुल्क के दाखिली उमूर में मदाखलत का मामला उठाया है। दरी असना कनाडा के वफाकी पुलिस ने कहा है कि वो बर आज़म शुमाली अमरीका में वाक़ इस मुल्क में चीन की जानिब से गैर कानूनी तौर पर कायम किए गए नाम नेहाद पुलिस स्टेशन की तहकीकात कर रही है। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो में तालीमी कारकुनान ने एक बार फिर हड़ताल का इंदिया दे दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो में तालीमी कारकुनान ने एक बार फिर हड़ताल का इंदिया दे दिया। सूबे के वजीर तालीम और यूनियन दोनों के मुताबिक कैनेडियन यूनियन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयज ने एक और हड़ताल का नोटिस दायर किया है, जिससे ओंटेरियो में तालीमी कारकुनों को दोबारा मुलाजमत छोड़ने के लिए तैयार किया गया है। एक बयान में सूबे के वजीर तालीम स्टीफन लीचे का कहना था
कि जब से कुछ दिन पहले बातचीत दोबारा शुरू हुई थी, सूबे ने मुतादिद पेशकशें की हैं जो सेक्टर भर में खास तौर पर कम आमदनी वाले कारकुनों के लिए करोड़ों डॉलर्स का इजाफा करेंगी, लेकिन क्योप ने अभी तक उसे मुस्तरद कर दिया है। वजीर तालीम का कहना था कि मेरे ख्याल में ये बच्चों के साथ मुकम्मल तौर पर नाइंसाफी है, ये गैर जरूरी है, हमें ये बातचीत मेज पर करनी चाहिए ताकि इमरान और अपने बच्चों दोनों के लिए मुहायदा हो सके। मुझे लगता है कि हम सब मायूस हैं कि यूनियन ने यही रास्ता इख्तियार किया है। उनका कहना था कि लेकिन ये हुकूमत मसले का हल निकालने के लिए मुज़ाकरात पर मरकूज रहेगी, खास तौर पर ये जानते हुए कि हमने ज्यादा रकम के साथ एक बेहतर ऑप्शन पेश किया है जिसमें एक नुमाया इजाफा, कम तनख्वाह वाले कारकुनों के लिए करोड़ों डॉलर मजीद शामिल किए गए हैं। क्योप की जानिब से कहा गया है कि तालीमी कारकुनों ने सूबे भर में मुमकिन हड़ताल का नोटिस दिया है जो कि 5 दिनों में शुरू हो सकती है। बयान में कहा गया है कि क्योप के ऑन्टेरियो स्कूल बोर्ड्स काउंसिल ऑफ यूनियंस की मरकजी बार्गेनिंग कमेटी तनख्वाह पर सूबे के साथ दरमियानी बुनियाद पर पहुंचने में कामयाब रही और कहा कि हुकूमत ने उन खिदमात में सरमायाकारी करने से इनकार कर दिया जिनकी तलबा और वालदैन तवक्को करते हैं, जिससे इसमें इजाफा हुआ है। बयान में क्योप के ऑन्टेरियो स्कूल बोर्ड काउंसिल ऑफ यूनियंस की सदर लोरा वाल्टन ने कहा कि यूनियन की तवज्जो तालीमी कारकुनों के लिए मुलाजमतों को बेहतर बनाने और तलबा के लिए खिदमात को बेहतर बनाने दोनों पर मरकूज है। कनाडा के शहर टोरंटो में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद शहर की सड़कों का बुरा हाल है, जबकि मजीद बर्फबारी की तवक्को है। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर टोरंटो में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद शहर की सड़कों का बुरा हाल है। GTA के मुख्तलिफ इलाकों में 5 से 10 सेंटीमीटर तक बर्फबारी के बाद शहर में मजीद बर्फबारी की तवक्को है। एनवायरनमेंट कनाडा के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला जुमे के रोज तक जारी रहेगा। ग्रेटर टोरंटो एरिया के ड्राइवरों को गाड़ियों की रफ्तार सुस्त करने का मशवरा दिया गया था। ऑन्टेरियो की सूबाई पुलिस इंतबाह दे रही है कि दिन के बेशतर हिस्से में सड़कें गीली और फिसलन रहेगी। पुलिस के मुताबिक शहर में फिसलन के सबब गाड़ियों में तस्सादुम के मुतादिद वाकयात पेश आए, बशमूल न्यू मार्केट के शुमाल में हाईवे 11 पर 3 गाड़ियों का हादसा जिसने एक शख्स को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया। एक अलग तसादुम में पुलिस ने कहा कि हाईवे 401 के करीब हाईवे 427 पर शुमाल की तरफ जाने वाला एक ट्रैक्टर ट्रेलर कंक्रीट की दीवार से टकरा गया जो हाईवे को तकसीम करती है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और हाईवे के दोनों तरफ कई लेने ब्लॉक हो गई। टोरंटो में बर्फ की सफाई के आलात फराहम करने वाले ठेकेदार ताहाल सामान की फराहमी के अमल में है। शहरी इंतजामिया के मुताबिक तकरीबन 500 आलात के टुकड़े या शहर के कुल मुहैदा शुदा बेड़े का तकरीबन 1/3 सड़कों, बाइक लेन और फुटपाथों को हल चलाने और नमक का छिड़काव करने के लिए भेजे गए हैं। पोलैंड के सदर ने अपने मुल्क में मिसाइल गिरने को हादसा करार दे दिया। दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी इस सिलसिले में तहकीकात में मुकम्मल तावुन का ऐलान कर दिया है। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पोलैंड के सदर ने अपने मुल्क में मिसाइल गिरने को हादसा करार दे दिया। दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी इस सिलसिले में तहकीकात में मुकम्मल तावुन का ऐलान कर दिया। इब्तदाई तौर पर इस हादसे का जिम्मेदार रूस को समझा जा रहा था। पोलैंड और नेटो हुकाम ने बगैर तहकीकात के रूस पर इल्ज़ाम धर दिया था, जबकि रूस ने हमले की तर्दीद कर दी थी। तहकीकात के बाद आखिरकार अमरीका और नेटो ममालिक भी मान गए कि पोलैंड में गिरने वाला मिसाइल रूस से नहीं बल्कि यूक्रेन से फायर हुआ। इससे कबल नेटो हुकाम ने कहा था कि पोलैंड के मिसाइल हमले का जिम्मेदार रूस है, जबकि अमरीकी हुकाम ने भी बिलवास्ता तौर पर यही कहने की कोशिश की। हुकाम ने कहा कि पोलैंड में गिरने वाला मिसाइल यूक्रेन की अफवाज ने आने वाले रूसी मिसाइल पर दागा था। वाज़ेह रहे कि पोलैंड में मिसाइल गिरने से 2 अफराद हलाक हुए थे। खबर आने के बाद सोशल मीडिया पर रूस के खिलाफ एक तूफानी मुहिम शुरू हो गई थी। बरतानिया में अशिया खुर्दोनोश की बढ़ती हुई कीमतों के नतीजे में अफरातेजर 41 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। मसीह जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानिया में अशिया खुर्दोनोश की बढ़ती हुई कीमतों के नतीजे में अफरातेजर 41 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। दूध, पनीर, दीगर अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से लोगों के लिए घरेलू बजट तैयार करना मुश्किल हो गया। अक्टूबर के महीने में अफरातेजर 11.1% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने से लोगों की चीखें निकल गई हैं। खुराक, ट्रांसपोर्ट और तवानाई की कीमतों में बेपना इजाफे ने आम शहरियों और कारोबारों को निचोड़ कर रख दिया है। राय शुमारी करने वाले माहरीन इक्तिसादियात ने सार्फीन की कीमतों के इशारे में 10.7% के सालाना इजाफे की पेशगोई की थी। हुकूमत के एनर्जी प्राइस गारंटी प्रोग्राम के मुतारिफ होने के बावजूद
दफ्तर बराए कौमी शुमारियात के मुताबिक महंगाई में सबसे ज्यादा इजाफा बिजली, गैस और दीगर ईंधनों की कीमतों से आया। बरतानवी हुकूमत की जानिब से तमन्नाए की कीमतों की जमानत खत्म होने के बाद बिलों में फिलहाल 5 माह के अरसे में तेजी से इजाफा होने वाला है। ताहम हुकूमत की जानिब से घरानों की तमन्नाए के अखराजात के हवाले से मदद का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।